हे गाइस, आज की हमारी मोस्ट अवेटेड वीडियो होने वाली है क्योंकि भाई इतने सारे लोग वेट कर रहे थे इस ब्रीड के लिए क्योंकि ये काफी फेमस डॉग ब्रीड है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बारे में काफी स्पेशल चीजें भी हैं जो कि मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बताने वाला हूं। एंड आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि क्या ये डॉग ब्रीड आप लोगों के लिए सही है या फिर नहीं। तो ये सब जानने के लिए वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। तो गाइस, रॉटवाइलर को परचेज करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, एक फैमिली डॉग ब्रीड या फिर एक गार्ड डॉग ब्रीड। क्योंकि अगर आप लोग फैमिली डॉग ब्रीड को परचेज करोगे तो वो आप लोगों को गार्ड नहीं करेंगे और वो सभी के साथ फ्रेंडली तरीके से रहेंगे। लेकिन अगर आप लोग एक गार्ड डॉग ब्रीड को परचेज करते हो तो यार किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि आप लोगों की इजाजत के बिना वो आप लोगों के घर के अंदर आ जाएं। क्योंकि रॉटवाइलर आप लोगों को स्ट्रेंजर्स और वाइल्ड एनिमल्स से प्रोटेक्ट करेंगे। और गाइस, इस ब्रीड के नाम से ही लोगों के मन में दहशत है क्योंकि भाई सभी को पता है कि रॉटवाइलर काफी पावरफुल, काफी फेयरलेस एंड काफी स्ट्रॉन्ग डॉग ब्रीड है। बट यहाँ पर आप लोग को एक चीज और ध्यान देनी पड़ेगी कि अगर आप लोग रॉटवाइलर को परचेज करें तो इस डॉग ब्रीड को आप लोग को अपना टाइम देना होगा इन्हें सोशलाइज और ट्रेन करने के लिए, ताकि दूसरे एनिमल्स और दूसरे स्ट्रेंजर्स के साथ भी थोड़ा कंफर्टेबली रह सके। बाकी हर कोई अपने डॉग्स को अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहता है तो आप लोग भी कर सकते हो। तो यहाँ तक तो आप लोग को पता लग गया होगा कि रॉटवाइलर किस टाइप की डॉग ब्रीड है और किन लोगों को परचेज करनी चाहिए। तो अब बात करते हैं इन पपीज की क्वालिटी के बारे में। तो दोस्तों, पपीज जो है ये सुपर क्वालिटी में है, काफी हेल्दी है एंड काफी हैवी बोन भी। एंड ओनर ने मुझे बताया कि पपीज जो है ये 4 kg से ऊपर हो चुके हैं। एंड ओनर के पास टोटल 3 पपीज अवेलेबल हैं, जिसमें से एक मेल और 2 फीमेल्स हैं। तो सभी पपीज काफी एक्टिव हैं, काफी डार्क कलर में हैं और हेड साइज भी काफी हैवी है। वैसे ये चीज मेरे काफी कम व्यूवर्स को पता होगा कि रॉटवाइलर भी कुछ अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे कि अमेरिकन, जर्मन और रोमन। वैसे मोस्टली जो रॉटवाइलर देखे जाते हैं ये जर्मन होते हैं और अमेरिकन जो रॉटवाइलर होते हैं वो इनसे थोड़े हल्के होते हैं। तो गाइस, आई एम श्योर पपीज आप लोगों को पसंद आएंगे क्योंकि भाई पपीज बिल्कुल पंच फेस में भी हैं। तो अगर इनके पेरेंट्स के बारे में बात करें तो भाई ये जो आप लोग देख रहे हैं ये इन पपीज के मदर और फादर। भाई फादर की क्वालिटी देखिए बहुत ही हैवी है और मदर भी काफी शानदार क्वालिटी में है। बाकी फिर भी आप लोगों के मन में कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट है तो डायरेक्ट डॉग ओनर से कॉन्टेक्ट करके हर एक चीज को अच्छे से क्लियर कर सकते हो। क्योंकि गाइस, ये आप लोगों का राइट है कि जहाँ पर आप लोग इतने पैसे स्पेंड कर रहे हो तो वहाँ पर आप लोगों के सामने हर एक चीज अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। वैसे ओनर जो है ये ट्रस्टेड है, आप लोगों को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वेल गाइस, अगर इन पपीज की एज के बारे में बात करें तो ये क्यूट से पपीज 43 डेज के हो चुके हैं। ओनर की जो लोकेशन है वो है दिल्ली NCR से। एंड ऑब्वियसली डिलीवरी में आप लोगों को ऑप्शंस मिल जाते हैं। वैसे तो अगर आप लोग डायरेक्ट जाकर परचेज करना चाहो तो वेल एंड गुड, क्योंकि डायरेक्ट जाकर आप लोग अच्छे से चेक करके पपीज को परचेज कर सकते हो। बट अगर आप लोगों के लिए ये चीज पॉसिबल नहीं है तो ओनर आप लोगों को डिलीवरी भी प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन भाई उस पे आप लोगों को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। वो कितना ये चीज आप लोग डॉग ओनर से डिस्कस कर सकते हो। एंड फाइनली अगर इनके प्राइस के बारे में बात करें तो पपीज काफी अच्छी क्वालिटी में है, काफी डार्क कलर में और हैवी बोन है। तो ओनर जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो मेल की 12,500 rupees 12,500 rupees एंड फीमेल की है जस्ट 8,000 rupees यानी सिर्फ 8,000 rupees। लेकिन डोंट वरी गाइस, प्राइस नेगोशिएबल है, बार्गेनिंग कर सकते हो। और वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को भी लाइक करके जरूर जाएं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।